देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं। दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए। चलिए भाई, इनकी मांग स्वीकार हो गई, एफआईआर हो गई, अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोकाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है, और एक बार नहीं छह बार दे रखा है, छह बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको उनकी कृपा पर नहीं है, और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ, और आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया, मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, तीन लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है, चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं। देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है, जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है, सुरम बोला था, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप सबको पता है कि आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है, और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। देखिए, दो एफआईआर अगर दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को, किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें।
उनको पद से तो हटाएं, जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से। अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। अगर आज ये खिलाड़ी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है तो कितना संघर्ष करके पहुंची होंगी ये हम सबको पता है। और उसके बाद केंद्र की सरकार, उनके नुमाइंदे इनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं और एक के बाद एक आप जो सारे खिलाड़ी अंदर बैठी हैं वो हमें बता रही हैं कि किस किस तरह से इन नेताओं के फोन आते थे, किस किस तरह से अपने नौकरों से फोन कराते थे, अपने अफसरों से फोन कराते थे। और आज जब ये हिम्मत करके आवाज उठा रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उस खेल मंत्री को जो आज मेडल लाने वाली लड़कियों को बोल रहा है कि तुम इनडिसिप्लिन हो। मैं अनुराग ठाकुर जी को कहना चाहती हूं, आप एक हफ्ते के लिए उतनी ट्रेनिंग करके दिखाइए जितनी ये खिलाड़ी रोज करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं अपने घर से नहीं निकल पाएंगे आप सातवें दिन। आतिशी मार्लेना जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आतिशी मार्लेना जी, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। और चूंकि आप आदमी पार्टी से हैं आप, तो इसलिए आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति के द्वारा झूठ बोला जाए इससे मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। लेकिन आज जो इन्होंने बोला है वो मात्र एक झूठ ही नहीं है बल्कि कुंठा से ग्रस्त एक बीमारी भी है जिसकी मरीज दिख रही है आतिशी मार्लेना। राजनीतिक घृणा में आकर उन्होंने आज देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक युवा मंत्री को मर जाने की बात कही। मैं आतिशी मार्लेना से पूछना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जी ने कब खिलाड़ियों को इनडिसिप्लिन कहा है, किस इंटरव्यू में कहा है, किस न्यूज चैनल पे कहा है? आपने जो ये बात आज कह के हमारे युवा मंत्री के को मर जाने की बात करी है, आतिशी मार्लेना जी आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। हम खिलाड़ी हैं, ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। थैंक यू।